दिवाली पर हुई आतिशबाजी का असर अस्पतालों में साफ देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के तमाम अस्पतालों में श्वास संबंधी मरीज बढ़ गए हैं। जहरीली हवा के चलते लोगों को आंखों में एलर्जी की भी शिकायतें हो रही हैं। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में दिवाली पर हुई आतिशबाजी से दिल्ली एनसीआर की हवा में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि अस्पतालों में मरीजों की कतार लग गई है। दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में श्वास से जुड़ी बीमारियों के मरीज, आंखों में एलर्जी के मरीज बढ़ गए हैं और ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे हैं। आंखों में दर्द है, चुभन है, दिवाली के धुएं से निकलने से दर्द रहता है। प्रदूषण से जिस समय, जैसा कि इस समय पॉल्यूशन हो रखा है, उसकी वजह से आंखों में इरिटेशन, चुभन होना और बार बार आंखों में पानी आना, तो इसे अवॉइड करें, थोड़ा सा पॉल्यूशन अवॉइड करें और आंखों में पानी के छींटे डालें 2-3 बार। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में पॉल्यूशन का स्तर अभी 2-3 दिन तक बना रहेगा। 2 और 3 का मुख्यतः 2 तारीख की शाम के बाद से 3 और 4 में विंड स्पीड लगभग 15-20 किलोमीटर पर आवर रह सकती है, तो इससे हमारे पास सिग्निफिकेंटली जो एयर पॉल्यूटेंट है वो डिस्पर्स होंगे। एम्स के मुताबिक दिवाली पर ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे हैं जो आतिशबाजी के चलते जख्मी हो जाते हैं। एम्स का एक शोध बताता है कि हर साल दिवाली पर आतिशबाजी से औसतन 76 मरीज अपनी आंखों में जख्म की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।